अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको बड़ी प्रेयर से आगाह करते हैं कि एशिया कप का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। एशिया कप का शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका में होने जा रहा है, उसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। आज रात को बोर्ड के ऑफिशियल्स भी ऐलान कर देंगे। अभी बड़ी प्रेयर से सबसे पहला मैच जो होगा पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा, जो कि मुल्तान में खेला जाएगा। 30 अगस्त को पाकिस्तान और नेपाल का मैच ओपनिंग मैच खेला जाएगा, जबकि दूसरा 31 अगस्त को श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेला जाएगा, जो कि श्रीलंका में खेला जाएगा। फिर एक छुट्टी होगी जबकि 2 सितंबर को, 1 सितंबर छुट्टी का दिन है, जबकि 2 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा मैच है जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है सारी कौम को, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालक को, वो 2 सितंबर को खेला जाएगा। 2 सितंबर को बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जबकि 4 को इंडिया और नेपाल का मैच होगा। फिर 5 को श्रीलंका और अफगानिस्तान, जबकि 6 को फिर नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा। जबकि पहले मैचेस होते थे ग्रुप ए की टीम में, यानी कि फिर ग्रुप जो दोनों ग्रुप में से दो दो टॉप की टीमें जो टॉप कर जाएंगी वो क्वालिफाई कर जाएंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। नेक्स्ट राउंड में इस तरह मैचेज होंगे कि तमाम टीमें जो दो ग्रुप से हैं, दो ग्रुप से हैं, उन्होंने आपस में मैचेज खेले हैं, जो कि 3 दिन मैचेज होंगे। वो 3 में से जो ज़्यादा जीतेगा, जो पॉइंट पर ऊपर होगा, वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। पहला मैच जो है 6 को खेला जाएगा ग्रुप मैच, जो नेक्स्ट राउंड का मैच होगा जो ग्रुप ए के टॉप पेपर और बी के टॉप पर टीम होगी उसका होगा। जब फिर अगला मैच 9 सितंबर को खेला जाएगा, फिर 10 को खेला जाएगा, फिर 11 को छुट्टी होगी, जबकि 12 को अगला मैच होगा, फिर 13 को छुट्टी, और फिर 14 को मैच होगा, और फिर 15 को छुट्टी, और 16 को फाइनल खेला जाएगा। फाइनल श्रीलंका में ही खेला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं, मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।